तेजस्वी यादव खुद बताएं कि नीतीश कुमार जी ने उनको अपने गठबंधन से क्यों निकाल बाहर किया था। आरजेडी के युवराज हैं, वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए हैं नीतीश जी की संगति में, और बिहार के मुख्यमंत्री के तो काबिल हैं ही नहीं। को राजनीति के व्यवहारिक और वैचारिक पक्ष का थोड़ा भी तकाजा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटने से पूर्व रांची में उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार को घेरने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2015 में लालू यादव भ्रष्टाचारी नहीं थे, अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो उनके पैरों पर उन्होंने गिर के समर्थन क्यों मांगा। जब इस पर हमने बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच में खाए पिए पले बढ़े हैं, इसीलिए उनको राजनीति के व्यवहारिक और वैचारिक पक्ष का थोड़ा भी तकाजा नहीं है, नहीं तो इस तरह की घटिया बात नहीं करते। तेजस्वी यादव खुद बताएं कि नीतीश कुमार जी ने उनको अपने गठबंधन से क्यों निकाल बाहर किया था। जिस तरह से सरकार में रहते हुए अपने पुराने धंधे पर फिरौती, उगाही, तमाम भ्रष्टाचार के मामले में ये लोग जिस तरह से गिरफ्त में आ रहे थे, नीतीश कुमार जी ने देखा कि नैतिक तौर पर इनके साथ गठबंधन में नहीं रहना है तो बाहर निकाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाया, इस सरकार का कमिटमेंट है भ्रष्टाचार मुक्त विकास, सतत विकास और न्याय के साथ विकास। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल रैली के सक्सेस के बाद बहदवास हो गए हैं, नर्वस हो गए हैं, इसीलिए वो ये भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि करोड़ों रुपए भाजपा ने खर्च किए। किसी को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी होगी तो पता है कि कोई भी आदमी फेसबुक लाइव करता है जिसको लाखों लोग देखते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब रैली की तो देश भर में करोड़ों लोगों ने देखा। और तेजस्वी यादव खुद ट्विटर बॉय हैं, लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। इससे स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव अभी भी आरजेडी के युवराज हैं, वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए हैं नीतीश जी की संगति में, और बिहार के मुख्यमंत्री के तो काबिल हैं ही नहीं। पर सर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया नीतीश कुमार के ऊपर कि कोरोना महामारी में वो बिल में छुपे हुए थे। देखिए, तेजस्वी यादव 55 दिनों से दिल्ली के किस जगह पर थे, ऐशो आराम कर रहे थे, ये बात उन्होंने जानकारी नहीं दी। अगर उनको राजनीति में पारदर्शिता और नीति नैतिकता का तकाजा पता होगा तो इतना बताना चाहिए कि किस जगह पर थे। आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहे, खुद 70 दिनों तक सीन से गायब रहे। अब पापा जी का बर्थडे मनाने रांची गए हैं तो खुद को समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच गए हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास से बिहार में कोरोना को लेकर के किए जा रहे गतिविधियों का संचालन किया, और गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसका मतलब है कि दिए गए सिस्टम और व्यवस्था, जो प्रशासनिक हायरार्की है, उसका सही तरीके से संचालन करना। तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी इसलिए नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तो ये फिजिकली असर्टिव थे, उगाही किया करते थे ये लोग मुख्यमंत्री आवास, उगाही, फिरौती, अपहरण इसका चारागाह बना हुआ था। इसीलिए हम लोग सिस्टम से काम करते हैं, गवर्नेंस सिस्टम फिजिकल एफोर्ट नहीं है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक जुडिशियस एक्सरसाइज है, इसकी बुनियाद पर काम करते हैं। तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखना बाकी है। तो आपने सुना, निखिल आनंद का साफ तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच में खाए पिए हैं और पले बढ़े हैं, और उनका यह भी कहना था कि वो पहले खुद ये बताएं कि नीतीश कुमार ने उनके साथ गठबंधन क्यों तोड़ा था। बराला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। तेजस्वी यादव खुद बताएं कि नीतीश कुमार जी ने उनको अपने गठबंधन से क्यों निकाल बाहर किया था। आरजेडी के युवराज हैं, वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए हैं नीतीश जी की संगति में, और बिहार के मुख्यमंत्री के तो काबिल हैं ही नहीं। को राजनीति के व्यवहारिक और वैचारिक पक्ष का थोड़ा भी तकाजा नहीं है।